हेलो एवरीवन, स्टूडेंट फरमाइश में आप सभी का स्वागत है। और आज ऐसे ही मौका भी बना, दस्तूर भी था, तो आज हमारे पास एक खास शख्सियत भी हैं और उनका नाम लोदीप है। और लोदीप, हम आपसे अगर बात करना चाहें तो आपने ढेर सारे एग्जामिनेशन दिया हुआ है, SBI से आरंभ करके IBPS हो, कुछ भी हो, आपने तो बहुत ढेर सारे एग्जामिनेशन दिया हुआ है। तो सवाल, ये जो हमारे कैंडिडेट्स जो हैं, ये जो YouTube चैनल को फॉलो करते हैं, इनका सवाल एक ही बनता है और उन्होंने कई सारे मैसेजेस में मुझे किया हुआ है कि सर, SBI PO की वैकेंसीज इस साल आएगी या नहीं आएगी, आपका क्या जवाब है? अच्छा सर, जिस हिसाब से उन्होंने SBI क्लर्क की वैकेंसी निकाली है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो SBI PO आएगा। थोड़ा देर लगा रहा है लेकिन आएगा। कुछ अभी बैंकों का मर्ज कर रहे हैं, ठीक है, उन सबको देखते हुए वैकेंसी आएगी। जो कि भी एक्सपेक्टेशन दिखाई जा रही है कि मई लास्ट तक या जून फर्स्ट तक में, तब तक आ सकते हैं श्योरली, अभी कम क्योंकि ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं यार, जो हमारे पास बैठे हुए हैं ऐसे वैसे शख्स नहीं है, इन्होंने काफ़ी बार SBI PO मेंस भी क्वालिफाई किया हुआ है, तो एक सवाल जो बनता है लोदीप, कि इस बार जो SBI क्लर्क की जो वैकेंसीज आई है, मैं आपको बता देता हूँ, ये मसलन ये है कि शायद 8 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आई थी, एक बहुत बड़े चैनल की नोटिफिकेशन थी। मैंने उस नोटिफिकेशन को जैसे ऑन किया, वहाँ पे मुझे पता चला कि SBI PO की वैकेंसीज तुरंत आने वाली है। तो ये थी 10,000 वैकेंसीज होगी टोटल SBI की। अगर मैं वैकेंसीज की बात करूँ तो ऑलरेडी 8,000 कुछ लगभग वैकेंसीज आ चुकी हैं क्लर्क की, तो बाकी हम मान सकते हैं। और खैरियत यही है कि 1500 वैकेंसी इस साल आ सकती हैं, आपका क्या कहना है? 2000 या 2500। एक्चुअली अगर एवरेज देखा जाए कि अगर एक PO के नीचे दो क्लर्क काम करते हैं, जैसे 8,000 वैकेंसी आपकी आई है, ठीक है, तो आपकी 2000 या 2500 वैकेंसी आ सकती है। ओके, ठीक है, ये मतलब वो कुछ ऊपर नीचे होता है 100-200 बात की बात है, लेकिन अगर मेरी जहाँ तक एक्सपेक्टेशन है कि 2000-2500। लेकिन अगर मैं कट ऑफ की, मतलब जैसे कि सेक्शन कट ऑफ हटा दिया है वो, तो क्या वही भी चीज़ SBI PO में देखने को मिलेगा? कुछ ना कुछ तो चेंजेस करेगा, क्योंकि एक बच्चे के मन में होता है, स्टूडेंट के मन में होता है कि मैं कैसे करूँ, इंग्लिश पहले करूँ, मैथ पहले करूँ, बिजनेस पहले करूँ, वो उसके दिमाग में आता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें इनको हटाने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए एक टाइम करेगा जी, कि आप इसके इंग्लिश लिए इतना दो, जी मैथ के लिए इतना दो, रीजनिंग के लिए इतना दो, जैसे आपका क्लर्क में दिया है। बिल्कुल, ये फायदे हो सकता है ऐसा। लेकिन अगर मैं लोदीप, और एक सवाल जो मेरे मन में ख्याल भी आ रहा है, और ढेर सारे एस्पायरेंट जो भी देख रहे होंगे उनका भी मन में यही ख्याल आ रहा होगा कि यार, बहुत सारे एग्जामिनेशन तो आगे हैं, लेकिन SBI PO की अगर मैं बात करूँ, अगर वैकेंसीज ना निकली तो हमारा जो रिदम बिगड़ जा रहा है, क्या इस रिदम को कैसे कंटिन्यू बनाए रखें? क्योंकि आपने भी बहुत सारा एग्जामिनेशन दिया हुआ, क्वालिफाई किया हुआ है। यार मैं आप सबको बता देता हूँ, मैंने इनके साथ अभी ही मुलाकात हुई, एक्सीडेंटली मुलाकात हुई, इनसे ज़बरदस्ती किया कि आके मेरे चैनल पर एक वीडियो बनाए, तो इन्होंने सबसे पहला आपको धन्यवाद उस बात के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इस बारे में अगर मैं चर्चा करूँ कि रिदम कैसे बनाए रखें, सर ऐसे देखो, हमें फोकस भी SBI का है, ठीक है, SBI का, RRB का, तो हमें फोकस करना चाहिए मेंस में, प्री में फोकस नहीं करना चाहिए, जनरली वाला फोकस होना मेंस में, कि मेंस का एग्जाम कब है, उसको फोकस करके हम चले। जब उसको आप फोकस करेंगे तो अगर बीच में SBI भी आ गया तो थोड़ा सा आपकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, तो उसे आप अच्छे तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो हमें फोकस करना चाहिए कि हमारा एग्जाम कब है, मतलब आपका जैसे ये अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम होगा, दिसंबर में मेंस का होगा, तो उस पर हमें फोकस करना चाहिए जी, तो हम अच्छा कर सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि SBI PO की वैकेंसी फाइनली बता दीजिए, क्या आपको ये शंका है, आशंका है कि इस साल फिर से निकलेगी SBI PO की वैकेंसी? क्यों मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हर एक बैंक क्लर्क की वैकेंसी डिक्रीज कर सकती है, क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन PO की वैकेंसीज कैसे डिक्रीज हो, क्योंकि हर एक ब्रांच को तो एक मैनेजर की काफ़ी ज़रूरत है। और शायद इसी वजह से, मतलब अगर मैं बताऊं, 3000 पोस्ट कुछ निकले थे पिछले साल, इस साल और घटेगी, इसलिए घटेगी क्योंकि काफ़ी बैंक मर्ज हो चुके हैं, तो एक बैंक मैनेजर 3 बैंक को संभाल रहा है, ऐसे ही बात होगी, क्या आपका क्या कहना है? श्योर है, मर्ज हो रहा है बैंक जहाँ का कह रहे हैं कि बैंक मर्ज हो रहा है, हाँ बैंक मर्ज हो रहा है, मैनेजर 1 मैनेजर 3 बैंक को संभाल रहा है, लेकिन हमें ज़रूरत है। एक्चुअली हमारा डिजिटल इतना
डिजिटलाइजेशन हो रहा है पूरी तरह से, ठीक है, हमारी कंपनियां जो है ना बैंक नई नई कंपनियां स्टार्टअप ढूंढ रहे हैं, उनको फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक मैनेजर की जरूरत पड़ती है, एक ऐसे आदमी जरूरत पड़ती है जो उनसे जाके बात कर सके पूरी तरह से, पूरी तरह से। नहीं, मैं अगर आपकी बात करूँ, आप कितना घंटा मेहनत करते हैं और क्या मतलब कर रहे थे कि आपने SBI PO यार मेंस में बैठना ये कोई बड़ी बात छोटी बात नहीं है, आपने दो दो बार बैठ चुका है और इंटरव्यू हालांकि ये किस्मत की खेल होती है, लेकिन आप उस दहलीज पर लेकिन पहुंच चुके थे जहां पे आप एक कदम सिर्फ दूर थे, उसके बाद आपके जॉब आपके सामने थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बनाए रखना जरूरी होता है, आप कोचिंग जाते हैं, कोचिंग करते हैं, कोचिंग के अलावा ज़्यादा नहीं, आप सब जितने भी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, सब के लिए दो दो घंटे जी जी जी, और प्रैक्टिस सेट मस्ट है, आपको एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट मिनिमम साल भी करना है जी, जी, अगर आप होता है तो मैक्सिमम दो कर सकते हैं, तीन कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके टाइम के ऊपर, लेकिन मैं तो एक सेट तो साल भी करना है और सब जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको टच करना है डे, ऐसा नहीं कि आज उसको पढ़ लिया कल उसको पढ़ लिया, ऐसा नहीं, डे बाई डे हमें डेली सब्जेक्ट एक तो मैं आपको बता देता हूँ, लोदीप की टाइम हो चुकी है एक्चुअली, मैंने इनसे ज़बरदस्ती कराया के बिठाया है, तो थैंक यू वेरी मच लोदीप, अगर फिर से कभी मुलाकात होगी तो डेफिनेटली और एक बार आप हमारे एस्पिरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ और एक बार कुछ बोलेंगे उनके लिए, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए यार, स्टूडेंट फरमाइश पे ऐसे ही प्यार देते रहे, आप अगर कुछ बोलते हैं स्टूडेंट फरमाइश के लिए शायद सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए। अभी इंशेप ने मेरे मिले हैं, इंटर्न मिले, मैंने इनकी चैनल मतलब मैं देखा था, पहले से देखा था जी, जी, मुझे अच्छा लगा, तो आज इनसे मुलाकात हुई मेरी जी, जी, ये काफी अच्छा दोस्त भी है, हालांकि ये मेरे दोस्त भी हैं, ये नहीं बता रहे हैं, बट ये दो साल से मेरे से दोस्त हैं, यस बताइए, मतलब इंस्टेंट मिले हैं आज जी, तो मुझे इनका जो एक क्रिएटिव है, एक यूट्यूब में डालते हैं लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा ये चैनल क्या, आपको कोई भी चीज़ जो आने वाली होती है, एक्सपेक्टेशन होता है किसी चीज़ का, उसको क्लियरफाई करता है, फोकस करता है, हम लोग क्या करते हैं कुछ चीज़ें अगर सर्च इंजन में ढूंढते हैं, कुछ चीज़ें क्या होता है हमें अच्छी तरह से नहीं मिल पाती, जितने कुछ डेटा होते हैं अलग अलग मिलते हैं, राइट, बिल्कुल, तो हमें कहीं ना कहीं एक ऐसी प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है कि हम इस भी चीज़ें पूरी तरह से कलेक्ट कर सकें, गेन कर सकें, तो मैं कहता हूँ सर इसे सब्सक्राइब करिए, आगे लाइक करिए और आगे बढ़ाइए। तो लास्ट वर्ड एज एन इंस्पिरेशन वर्ड आप क्या बोलना चाहिए हमारे चैनल के इंस्पायरेंट्स के, प्लीज़ कुछ भी लास्ट, उसके बाद हम खत्म करेंगे क्योंकि हम भी जानते हैं कि आपके पास बहुत कम समय होते हैं, कुछ भी लास्ट एक ऐसा वर्ड जैसे कि सब, यस बताइए, जितने भी स्टूडेंट हैं सबके सामने पहले मैं कहता हूँ एक फोकस करो जी अपनी स्टडी पे, okay. जैसे आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो, okay. तो बैंक के मेंस पे फोकस करो, स्टडी पे फोकस मत करो, मेंस पे फोकस करो, ये आपका निकल जाएगा, ठीक है, और हमें एक जब मेन में फोकस करते तो हमें एक अच्छा टाइम मिलता है चीज़ें कवर करने का, क्योंकि जब आपकी डेट आती है वहाँ से आपको छः महीने मिलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, सही, तो सही हमें एक अच्छा समय मिलता है और एक अच्छी तरह से हम टारगेट सेट कर पाते हैं, जी जी राइट जी, जी सर जी, तो हमें ज़रूरी है कि हम एक दूरगामी सोच लेके चले, हाँ, हाँ, और अच्छा करें जी सर जी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।